हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ये तीन अगर हमें पता है उसी के अकॉर्डिंग फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्टली क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल क्या होता है, पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं ना, उसी को बोलते क्या, दशमलव, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो आफ्टर सम स्टेप्स। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, कुछ स्टेप्स चलने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है, जीरो। जैसे हमारे पास 1/5 है, 1/5 जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो सेकंड स्टेप में ही क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा रिमाइंडर। इसी तरह से हमारे पास क्या है, 1/2 है, 1/4 है, ये हमारे पास क्या है, सभी डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसको बोलेंगे जब कुछ स्टेप्स के बाद चलने, हो सकता है वन स्टेप के बाद भी आ जाए, हो सकता है टू स्टेप्स में भी आ जाए। इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स जीरो, हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का दूसरा नाम है रिपीटिंग। रिक्यूरिंग से ना भी याद रहे तो हमें किससे याद रखना है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन कैसा है, रिपीटिंग है, मीन्स रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा बट हर बार डिजिट वही आएगा हमारे पास सेम। इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स, इसके अंदर जो रिमाइंडर है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देता है आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद। जैसे हमारे पास है 10/3, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ स्टेप्स के बाद ये वही आएगा। कैसे, 10 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, 3 3 जा 9 9 आया, 1 आ जाएगा हमारे पास, फिर पॉइंट लगाया हमने, यहाँ से 0 यहाँ आ गई, फिर पॉइंट लगा दें यहाँ, 3 3 जा फिर से 9, फिर से क्या आया 1, फिर 0 लगाएंगे फिर 0, फिर 3 3 जा 9। तो ऐसे ही चलता रहेगा कि 1 आएगा यहाँ पे, हर बार रिमाइंडर क्या आता जाएगा, 1 आता जाएगा, और ऊपर क्या आता रहेगा 3। उसको हम कैसे नोट करते हैं, 3.3, और ये हम क्या लगाते हैं, बार। इसी से इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास, रिपीटिंग, की ये जो डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है अब हमारे पास, ठीक है। इन दिस रिमाइंडर रिपीट, इसमें रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट कर देता आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेटिंग भी नहीं है तो कंप्लीट रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, एंड नॉन रिक्यूरिंग और रिक्यूरिंग मीन्स रिपीटिंग भी नहीं है। तो ऐसा नंबर जैसे हमारे पास है पाई, उसके अलावा √2 √3 जितने भी रूट के अंदर नंबर हैं वो सभी क्या आएंगे हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। किसको अगर हम कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास हर बार रिपीट रिमाइंडर जीरो आएगा और ना ही रिमाइंडर रिपीट होगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से अबाउट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ईच हैज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग टर्मिनेटिंग। ये हमें बताना है कि इन डेसिमल एक्सपेंशन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर देखते हैं कि क्या है। 36/100 इसको हम क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमारे पास कंप्लीटली नंबर आ गए ना, अगर ये कंप्लीट नंबर आ गया इट मीन्स रिमाइंडर जीरो आ चुका है हमारे पास, तो उसको हम क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। 1/11 जब इसको 1/11 को डिवाइड करेंगे तो हर बार क्या आएगा, 0.09, फिर से 09, फिर 09, फिर 09, हर बार वही रिपीट होगा, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको, रिक्यूरिंग टर्मिनेटिंग। रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग मीन्स रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 4/1/8, 8 4 जाए 32 और 1 36, 36/8 जब हम इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो ये किस पे डिवाइड होगा, 4.125, उसके बाद रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 3/13 जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.230769, उसके बाद भी हमारे पास यही चलता रहेगा, मीन्स हमारे पास जो रिमाइंडर है वो
ना तो हमारे पास जीरो आया और ना ही हमारे पास रिपीट आया, कहाँ तक है, कितने डिजिट्स के बाद रिपीट आया हमारे पास। तो हमेशा जब रिपीटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है, तो क्या होता है कि हर बार वही डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ तो 1, 2, 3, 6 डिजिट के बाद हमारे पास रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 2/11। 2/11 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.18। 18 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स हमारे पास दो डिजिट आए, दो डिजिट के बाद हमारे पास स्टार्ट हुआ है और वो अभी कोई कम्प्लीटली नहीं हुआ है, क्योंकि 2/11 है। जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड ही नहीं होगा। 2 से करके देखो 11 को, नहीं जाने के लिए पहले से ही हमारे पास हो जाएगी, फिर 11 बन जा, 11 आ जाएगा आपके पास से, इसमें से माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है, फिर से 0 0, 11 8 जा 88 आ जाएगा, अब कितना आया, 2 आया, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 11 आ जाएगा, इसी तरह से वही आना स्टार्ट हो जाएगा ना हमारे पास। तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 329/400। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.8225 कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट आपको बताया गया है 1/7 किसके इक्वल है, 0.142857 इसके इक्वल दिया हुआ है 1/7। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, तो क्या आप इसी से डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, और बिना लॉन्ग डिवीजन किए क्या आप इसको निकाल सकते हैं, इफ सो अगर निकाल सकते हैं हाउ तो कैसे निकालोगे, देखते हैं। 2/7 हमें 2/7 निकालना है, इसको मैंने अलग अलग कर लिया, 2 को अलग लिखा एंड 1/7 को अलग लिखा, अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 7 यही आता है। अब इसको मैंने अलग कर दिया, 2 × 1/7, 2 एज इट इज रहेगा, 1/7 की हमारे पास क्या दे रखा है, 0.142857, इसकी और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.285714 बार। इसी तरह 3/7, 3/7 में 3 को अलग कर देंगे, 3 × 1/7, 1/7 आपको दिया हुआ है, इनकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपके पास। 4/7, 4 × 1/7, 1/7 की गिवन है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 से कर देंगे, 6 से कर देंगे, तो ये हमने बिना लॉन्ग डिविजन मेथड के फाइंड किया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इन सभी को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स, p और क्यू इंटीजर्स हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या है, 0.6 बार, बार का मीनिंग क्या होता है, उसे डिजिट की रिपीटिंग है, 0.6 बार, इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू, अब हमारे पास वन डिजिट था तो इसलिए हम इसको 666 इसी तरह रिपीटिंग स्टार्ट कर दी ना, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 0.666 अप टू कहीं तक भी हो सकता है, टू बी रिटर्न इन पी बाई क्या फॉर्म, इसको हम पी बाई क्या के फॉर्म में रिटर्न लिखेंगे, कैसे, वी मल्टीप्लाई बाई 10, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों किया 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास डिजिट कितना है पॉइंट के बाद, 1, अगर 1 डिजिट है 10 से करेंगे, 2 डिजिट है हमारे पास 100 से करेंगे, 3 डिजिट है 1000 से करेंगे, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम तो क्या आ जाएगा, x की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 10x आ जाएगा, और इसकी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल एक्सपेंशन चेंज हो जाए, क्या आ जाएगा, 6.6 बार। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 6.666 अप टू, ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, अगर हम चाहें तो इसको ब्रेक करके कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम इक्वेशन से चाहेंगे तो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को, x फर्स्ट हमारे पास ये दी हुई है, इसको हमने क्या कर दिया,
सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा, 6 में से 6 आएगा 0, ये भी 0, ये भी क्या आ जाएगा 0, डिजिट हमारे पास क्या आया 6, 10x में से x जाएगा क्या आएगा 9x, क्या आया 9x इज इक्वल टू 6, यहाँ से भी क्या आया है 9x इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 6 इधर है, 9 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्या आ जाएगा 2/3, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी p/q फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास 0.47, ये मिड डिजिट दिया हुआ है 0.47, एक्स इज इक्वल टू हमने मान लिया 0.47 बार, इसको हमने अलग से किया 0.4, रिपीटिंग किसकी है 7 की, इट मीन्स 7 को हम रिपीटिंग दिखा देंगे 7 7 7 अप टू 2 भी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, वी मल्टीप्लाई बाई 10, हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वन डिजिट के ऊपर था ना हमारे पास, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये जो था ये 0.1 आगे आ जाएगा 4.7 बार आ जाएगा, अब 10x को एज इट इज लिख लेंगे और इसको हम वही जो ऊपर हमने मेथड किया था उसी से करेंगे, 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.777 अप टू, और फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 0.477 अप टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस 10x में से x जाएगा क्या आएगा 9x इज इक्वल टू 7 में से 7 0, ये भी 0, 7 में से 4 जाएगा 3.4 एज इट इज आ जाएगा 4.3 आ जाएगा, अब 9x इज इक्वल टू 0.8 आएंगे क्या आएगा 43/10 आ जाएगा, 9 को इधर लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 43/10 इधर आ जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/90, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, चॉइस आपके, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं, इसमें हम इसको दोनों को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट 0.001 बार, अब हमारे पास 3 डिजिट्स पे बार है, x इज इक्वल टू 0.001 बार, इट मीन्स इन 3 डिजिट्स की रिपीटिंग है हमारे पास, तो कैसे लिखें 0.001001 ऐसे रिपीटिंग लिखेंगे, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी मल्टीप्लाई बाई 1000, अब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या आएगा 1000x आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा एक पॉइंट आगे आ जाए, 3 डिजिट्स आगे करेंगे तो क्या आएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001001, ऐसे ही चलता रहेगा, फर्स्ट हमारे पास क्या था x इज इक्वल टू 0.001001, माइनस कर देंगे ये माइनस आ गया, क्या आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, ये सभी क्या हो जाएंगे 0, और x इज इक्वल टू इसको इधर लेके आएंगे डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी p/q फॉर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, आपको फाइंड करना है इस, ये जो आपको दिया हुआ है इसको फाइंड करना 0.99999, इसको p/q की फॉर्म में करना है कन्वर्ट, आर यू सरप्राइज, आप सरप्राइज होंगे बाई योर आंसर, अपने आंसर से, विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस बाय द आंसर मेक्स सेंस, आप अपने टीचर और अपने क्लासमेट से डिस्कस करेंगे इसके सेंस के लिए, देखते हैं x इज इक्वल टू मान लिया, लेट x इज इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है तो इसी की रिपीटेशन है, अब रिपीटेशन है तो वन डिजिट है, वन डिजिट है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.9 बार आ जाएगा हमारे पास, इसको हमने फिर से कैसे लिख लिया 10x इज इक्वल टू 9.999 अप टू, ऐसे आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास क्या x इज इक्वल टू 0.999, अब इधर से देखते हैं 10x में से x जाएगा क्या आएगा 9x, इधर से ये 0 ये 0 ये 0 9 कंप्लीट आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9/9, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, ये एक सेंस के अंदर है,
द आंसर मेक सेंस एज 0.9 बार इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, क्योंकि ये किसके क्लोज है, 1 के क्लोज है. वी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन 1 टू 0.999 एज स्मॉल एज वी विश बाय टेकिंग इनफ नाइनर्स. ये हमारा इसके बहुत नियरली है 1 के, इसीलिए इसके अंदर बहुत कम डिफरेंस है 1 तक पहुंचने के लिए. इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास है 1. ठीक है, नेक्स्ट है वट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिविजन टू चेक योर आंसर. अपने आंसर को चेक करने के लिए परफॉर्म करें. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16. क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल कितना है 17, 1/17 है, तो हमारे पास कहाँ तक निकालना है, हमें 16 डिजिट तक है. जब हम डिवीजन मेथड से इसको 1/17 को ओपन करेंगे, मीन्स 17 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो हमारे पास ये आ जाएगा आपको द रिपीटिंग ब्लॉक्स है 16 डिजिट. जो रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं वो कितने डिजिट तक आएंगे, 16 डिजिट्स तक. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ ए रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हैं. पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर फ्रॉम कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. कैन यू गेस वट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट, तो हमें बताना है कि वो प्रॉपर्टी क्या है मस्ट. अब देखो 2/5 है हमारे पास, 2/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आ गया 0.4, और 2 और 5 का अगर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है, 1 है. 3/2 इसको कम्प्लीटली कर दिया, 1.5 आ गया, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी क्या है 1. 7/8 इसी तरह 7/10. ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2, 5 और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हुज डेसिमल एक्सपेंशन. तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास यहाँ तक हम करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि हमारे पास ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन रिक्यूरिंग. हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है जिनकी जो एक्सपेंशन है वो नॉन रिक्यूरिंग है. नॉन रिक्यूरिंग मीन्स जिसका कोई भी एंड नहीं है, जो रिपीट भी नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा. अब कोई भी डिजिट लिख सकते हैं हम, जैसे 7.3141424243 कुछ भी लिख देंगे हमारे पास से, और पाई भी हमारे पास ही होता है. ऐसे हमें कोई भी 3 नंबर लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11. इन दोनों के बीच के हमें कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं. 5/7 क्या होता है, 5/7 को हमने कन्वर्ट कर लिया, 0.714285 बार आ जाएगा. 9/11 को हमने किया, 0.81 बार आ जाएगा. अब इन दोनों के बीच के डिजिट लिख देंगे, ये हमारे पास कितना है 71, ये कितना है 81. तो हमारे पास 71 और 81 के बीच के आने चाहिए ये डिजिट, जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है वो 71 और 81 के बीच के आने चाहिए, उसके बाद कुछ भी डिजिट हो. देर आर इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स, वी मैनी चॉइस एनी 3. तो हमारी चॉइस से कोई भी 3 लिखेंगे. नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल. ये बताना हमें इरेशनल नंबर है या रैशनल. रूट 23, 23 का रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास क्या है इरेशनल. रूट 225, इसको अगर हम रूट फाइंड करेंगे क्या आएगा 15, और 15 क्या है कि रैशनल नंबर. 0.3796, ये हमारे पास क्या है एक रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रखा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि रैशनल नंबर. 7.4784, अप टू दे रखा है, कंप्लीट नहीं हो रखा है, ये अप टू दे रखा है ऐसे, तो इट मीन्स ये कैसा है इरेशनल. इसी तरह ये भी क्या है इरेशनल. ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3. थैंक यू.